डेवलप की जाती हैं। इसलिए आज जो हमें ये सबसे पिछड़ा इलाका मिला, मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो सबसे पहले पुराने इलाके हैं उनसे ज्यादा इनकी कीमत अगले साल हो जाएगी, जो मैं काम कर रहा हूं, जिस प्रकार के काम कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कभी किसी ने चिंता नहीं की थी, गरीब लोग बसते हैं कि इनको मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए। मैंने डिस्पेंसरी सेंक्शन करा करके बनती रहेगी, जगह मिलती रहेगी, किराए पर जगह लेकर के यहाँ पर डिस्पेंसरी जच्चा बच्चा केंद्र यही शुरू कराया जी। मैंने यहाँ पर सारे साथियों को देखा है, हमेशा हमारे पास आते हैं, जनकपुरी का एक कम्युनिटी हॉल है, यहाँ शादी करनी है, ये करो, काउंसलर ने देना होता है। यहाँ कोई कम्युनिटी हॉल नहीं था, कभी किसी ने चिंता नहीं की थी। 25 साल तक कांग्रेस के लोग थे यहाँ पर। हमने आकर के कोशिश करके सेंक्शन करा करके DDA से सबसे बड़ा इस इलाके का कम्युनिटी हॉल सीतापुरी के अंदर बड़ी तेजी के साथ बन रहा है, अपना नेहरू एकेडमी के सामने। हमने यहाँ पर एक सर्विस लेन दी 87 गलियों का और आगे 25-30 गलियां अपने सीतापुरी की। ये सब यहाँ से वापस जाते थे 1-2 किलोमीटर पंखा रोड तक, और कोई रास्ते नहीं थे। आज जब हमने सर्विस रोड बना दी है, इन सारी गलियों की एग्जिट अब राइट साइड में हो गई है। सर्विस रोड पे आकर के दाएं जाएं, बाएं जाएं, मेन रोड पे जाएं, ये इतनी बड़ी राहत मिली है। पूरे दिल्ली के अंदर NCR के अंदर प्रॉपर्टीज की कीमतें नीचे जा रही हैं टोटल इस समय, और यहाँ पर डबल हो रही हैं। इसका अंदाज आप लगा सकते हैं कि मेरा झुकाव कहाँ पर है। जनकपुरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जगदीश मुखी भाजपा के शासनकाल में वित्त मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनके कद को लेकर के दिल्ली वाले उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। लाठी पे पाबंदी लगाने में जगदीश मुखी का बेहतरीन योगदान भी माना जाता है। विजय टाई के साथ अनुज मिश्रा की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली।